यूट्यूब चैनल मेरी सोच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं सुनील राउत भूत प्रेत के अस्थाई समाधान भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर धर्म के मानने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक मालामाल वर्ग और दूसरा कंगाल वर्ग। अब हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दोनों का अंतर समझेंगे। जीवन स्तर, मालामाल वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा है, उनमें शिक्षा है, साफ सफाई है, चमक दमक है। और कंगाल वर्ग का जीवन स्तर निम्न किस्म का है, उनमें शिक्षा का अभाव है, साफ सफाई की कमी है। विज्ञान, दोस्तों मालामाल वर्ग का व्यक्ति धर्म के अनुसार जीवन गुजारता है, पर्व त्योहारों को मनाता है, लेकिन जब कभी अंधविश्वास में फंसने की बारी आती है, कुरीतियों में फंसने की बारी आती है, तो विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। कंगाल वर्ग का व्यक्ति भी धर्म का पालन करता है, पर्व त्योहारों को मनाता है, लेकिन कुरीतियों में फंसने के समय, अंधविश्वास में फंसने के समय विज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और उस दलदल में हमेशा के लिए फंसा रहता है। धार्मिक आयोजन, दोस्तों जब कभी धार्मिक आयोजन होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें मालामाल वर्ग का व्यक्ति जाता है, अच्छाइयों को निचोड़ लेता है, बुराइयों को वहीं छोड़ के आ जाता है। और कंगाल वर्ग के व्यक्ति जब जाता है तो अच्छाइयां उसे समझ में नहीं आती और बुराइयों को थोक भाव में लाता है और उसी दलदल में फंसा रहता है। भूत प्रेत, दोस्तों मालामाल वर्ग का व्यक्ति भूत प्रेत का समर्थन करता है कि भूत प्रेत होता है, लेकिन जब कभी भूत प्रेत में फंसने की बारी आती है तो मनोविज्ञान का सहारा लेकर अपने आप को किनारा हो लेता है कि भूत एक वहम है, भूत एक डर है, भूत एक शंका है। और कंगाल वर्ग का व्यक्ति भूत प्रेत को सत्य मानता है और भूत प्रेत के दलदल में फंसा रहता है। सपना, जब किसी घर में मौत होती है तो उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में सारे लोग दिन रात सोचते रहते हैं, इसलिए हर लोगों के सपने में उस मरे हुए व्यक्ति का सपना आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब सपना आने पर मालामाल वर्ग का व्यक्ति सपना को सपना समझ के आगे बढ़ जाता है और कंगाल वर्ग का व्यक्ति सपना को भूत समझ के उस दलदल में फंसा रहता है। भूत बैठा, जब मालामाल वर्ग के व्यक्ति के घर के सामने या खेत में भूत बैठाव कर दिया जाए तो लाठी से वो किनारे करके अपना जीवन आगे ले जाता है। और कंगाल वर्ग का व्यक्ति के घर के सामने जब भूत बैठाव कर दिया जाए या उसके खेत में कर दिया जाए तो उसकी घर की औरतें बीमार हो जाती हैं और भूत प्रेत के दलदल में फंस जाती है। रात में जानवर, जब मालामाल वर्ग के व्यक्ति को रात में कहीं जानवर दिखाई देता है, कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, हिरण, तो उसे लवारिस जानवर समझकर आगे बढ़ जाता है। कंगाल वर्ग का व्यक्ति को जब रात में कुत्ता, बिल्ली, भैंसा, हिरण या कोई अन्य जानवर दिखाई देता है तो उसे भूत का रूप परिवर्तन अर्थात भूत समझ के वो पीछे उल्टे पांव दौड़ जाता है। पूजा पाठ में खर्च, दोस्तों पूजा पाठ में जब खर्च करने की बारी आती है तो मालामाल वर्ग का व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति को देखता है और आर्थिक स्थिति के अनुसार सवा रुपए में भी पूजा पाठ कर लेता है। कंगाल वर्ग का व्यक्ति पूजा पाठ में खर्च करने की जब बारी आती है तो अपने आर्थिक स्थिति की ओर नहीं देखता, मन में इच्छा यही रहती है कि हम पूजा 1,25,000 से करें और आर्थिक तंगी में अपना जीवन गुजारता रहता है। श्रद्धा और भय, दोस्तों मालामाल वर्ग का व्यक्ति पूजा पाठ श्रद्धा से करता है, भक्ति से करता है, और कंगाल वर्ग का व्यक्ति पूजा पाठ भय और लोभ से करता है। दुर्घटना, दोस्तों जब किसी घर में दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट कोई भी हो जाता है तो मालामाल वर्ग का व्यक्ति केवल अपने जख्म को लेकर हॉस्पिटल जाता, अपने घाव को लेकर, टूटी फूटी हड्डियों को लेकर जाता है, लेकिन कंगाल वर्ग का व्यक्ति टूटी फूटी हड्डियों को लेकर जाता है और उसके साथ भूत प्रेत का प्रभाव भी लेकर आता है कि ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना भूत प्रेत ने किया है। अंत में मुझे आपसे यही कहना है कि यदि आप अपने आप को कंगाल वर्ग में मानते हैं तो जल्दी से जल्दी मालामाल वर्ग में आने का प्रयत्न कीजिए,
यही राज है आपके सुखी रहने का। दोस्तों आज इतना ही, अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।